चार दिन पहले मैं सुबह सुबह 7 बजे के आसपास एक भक्त के साथ में, नए भक्त के साथ टहल रहा था यहाँ पर, उनसे कुछ सुन रहा था। रास्ते में एक माता जी मुझे देख ली और वो एकदम आके रोने लगे एकदम। बोला, क्या हो गया माता जी, आप इतने क्यों घबराए हुए? तो बंगला में बोलने लगी, प्रभु अनेक अमर जीवन जी की कथा व्यथा अच्छे, मतलब मेरे जीवन में बहुत व्यथा, मतलब कष्ट, मतलब बहुत कष्ट। मतलब क्या हो गया भाई? तो बताने लगी, वो मेरा शरीर का बैक का प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो गया है, कुछ शरीर में अलग अलग जगह डॉक्टर ने बोला है बहुत प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे उनको शरीर में, बोले मैं कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ सही से पत्ती के लिए, मतलब। मैं बोला, माता जी आप इतना घबराइए मत ना। तो स्वाभाविक सी बात है, इस दुनिया में बड़ा क्या है, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट है। तो मैं उनके साथ प्रार्थना करने लगा कि भाई भगवान, जो फिर माता जी को समझाने लगे, देखिए माता जी, तब तक तो उनके पति भी आ गए और भी एक दो आसपास ही माता जी आ गए। और तो बोला, माता जी देखिए, अभी आपके जीवन में तो कुछ कष्ट है, लेकिन और भी बहुत लोग हैं जिनके जीवन में आपसे भी ज्यादा कष्ट है। आपको तो केवल शरीर की व्यथा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको और बहुत सारे व्यथाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सालों बाद भी उनके पति उन पर शक करते हैं कि उनका चरित्र ठीक है कि नहीं है, बहुत सारे लोग उनके बच्चे परेशान करते हैं। तो शरीर परेशान करता हो तो कष्ट है ही, लेकिन उससे बड़े बड़े, तो भौतिक स्तर पे अगर आपको कष्टों का समाधान चाहिए तो क्या करना चाहिए? आप उन लोगों को देखिए जो आपसे ज्यादा कष्ट है, समझ रहे? ऐसा शास्त्र बोलता है कि जब आपको बहुत जीवन में समस्या हो तो आप देखिए आपसे भी ज्यादा लोग समस्या में दुनिया। ठीक है, आपके जीवन में एक समस्या है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिसके जीवन में आपसे भी ज्यादा समस्या है, समझ रहे हैं? तो उससे थोड़ा आदमी का मन, फिर भी स्वाभाविक सी बात है, मैं उनको सॉल्यूशन तो दिया, लेकिन फिर भी कोई भी भक्त कष्ट में होता है थोड़ा, क्या होता है उसके प्रति। तो परीक्षित महाराज भी श्रीमद् भागवत अब सुन रहे हैं, तो उस समय जब उन्होंने नरकों का वर्णन सुना कि जैसे जीवात्माओं को अलग अलग नरकों में पीड़ा दी जाती है, पुयोद नामक नरक जो है उसमें केवल केवल क्या बोलते, पस होता है, जो यहाँ पे फुंसी सब हो जाती है तो एक पस निकलता है पीला पीला रंग का, फोड़ा बोलते हैं उसको, तो पूरा पीला पीला पस निकलता है। तो सोच लीजिए उसको देख के उल्टी आती, समझ रहे? और मान लीजिए आप कहीं पर रह रहे हो जहां पर आपका घर पूरा वही उसी से बना हो, उसी पे आपको रहना है, उसी में सब कुछ करना है, उसको बोलते पुयोद नर। तो कफ पित्त वाला ये सब क्या बोलते इसको, पीत क्या बोलते, पीला पीला जो निकलता है पीप, तो इत्यादि ये सब गंदी चीजों से कुछ आप आपको रहना पड़े तो कैसा लगेगा? तो जो लोग सही से खाना नहीं खाते, कुछ भी खा लेते हैं, उनको उस नरक में भेजा जाता है। जो लोग कुछ भी खा लेते हैं बिना भगवान को अर्पित किए, तो उनको उस नरक में जाना पड़ता। तो परीक्षित महाराज वैष्णव है, उन्होंने सुना तो इतने लोग तो कुछ भी बाजार में खा लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनको इतना नरक भुगतना पड़ेगा। यह सुन के कोई भी भक्त को चिंता कि भाई मान लीजिए वो किसी बाजार में देखेगा कुछ खाते हुए, कि बाजार में वो कुछ कोई टिकिया चाट खा रहा है, वो कुछ प्याजी पकोड़ा खा रहा है, तो उसको चिंता होगी भाई, उसको तो दिखाई देगा कि कहाँ पर जाएगा पुयोद नामक नर। तो भक्तों को चिंता होती है कि भाई दूसरों के बारे में। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, क्या इसका कोई समाधान नहीं है?
इसका कोई समाधान नहीं? तो हमारे सुखदेव गोस्वामी ने बोला, हाँ एक समाधान है कि लोगों को प्रचार किया जाए, बताया जाए कि ये गलत है, इसको मत करो। जब लोगों को बताया जाएगा ये गलत हो गया तो आपको कष्ट होगा, तो शायद वो धीरे धीरे करना बंद कर दे, और जो ऑलरेडी कर चुके उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए बोलो। मान लीजिए कोई मीट खा चुका है बहुत सालों तक, तब बोलो उसका क्या करो, प्रायश्चित कर लो। जैसे कोई आदमी से कुछ गलती हो गई, उसने सिग्नल तोड़ दिया, तो उसका फाइन को क्या बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं। कोई बिना टिकट के घुस गया तो उसका 500 रुपये फाइन मतलब क्या हो गया, तो इसको प्रायश्चित बोल। दुनिया में कोई भी गलती करता है तो उसका प्रायश्चित होता है, जिसको फाइन या इत्यादि जो भी बोले। तो उन्होंने बोला कि आप गुरु लघु मतलब बड़े पापों के लिए बड़ा प्रायश्चित करना होता है, छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित करना होता है। बोले ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। परीक्षित महाराज ने फिर प्रश्न पूछा कि लेकिन ये सॉल्यूशन तो फुल 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 फ्लैश सॉल्यूशन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले इस दुनिया में तो हम लोग देखते हैं कि बहुत बार लोग गलती किए पकड़े जाते, सिग्नल तोड़े पकड़े जाते, फाइन देते, लेकिन फिर भी वो सिग्नल तोड़ते ही वो पुलिस देख के सिग्नल देखते, पुलिस ने तो तोड़ देते, बाद में पकड़ लेता तो देना पड़ता फाइन। मतलब उनको फाइन का डर से भी वो सुधर नहीं रहे, फाइन का उनके ऊपर डर दे डाल दिया गया, फिर भी लोग, तो इस दुनिया में लोगों को पता होता है कि हम पाप करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, ये होगा, लेकिन देख लेंगे जो होगा। इतनी वासना बढ़ जाती है कि आदमी उसके बिना रहता नहीं, नहीं पाता। तो बोलते तो हाथी के स्नान के समान है, हाथी स्नान करता है पूरा एकदम मल मल के, सब रगड़ रगड़ के, और बाहर निकलते के साथ क्या करता है वो, जितना गंदगी उसको फिर से छिड़क छिड़क के अपना वो सुंदर बन जाता है, मतलब जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर लगा। तो ऐसा स्वच्छता से फायदा क्या, ऐसे स्वच्छता से? तो बोले कि ये प्रायश्चित का मार्ग ये तो कोई फायदे वाला मार्ग नहीं। तो सुखदेव गोसाई बहुत खुश हो जाते कि बहुत ध्यान से पालन कर रहा है, समझ रहे, बुद्धिमान है। उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया। बोले हाँ, दूसरा सॉल्यूशन जो रियल सॉल्यूशन वो क्या, विमर्शन। विमर्शन मतलब दिमाग से सोचना पड़ेगा कि भाई क्या गलती काम मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा समाज में कि देखो तुम ज्यादा खाओगे तो तुम्हें पेट दर्द होगा, फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एडुकेशन देना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जब आदमी को सही से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो फिर आदमी सही से उस चीज को जब समझ जाएगा कोई आदमी कि मेरे लिए सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, तो नहीं करेगा कि भाई सिगरेट पीता हूं तो मुझे कितना कष्ट होता है, तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो शुरू में मेरे को आनंद मिलेगा लेकिन बाद में कष्ट मिलेगा। तो बोले कि इसीलिए आदमी को ज्ञान मार्ग पालन करना चाहिए, स्वच्छ जीवन जीना चाहिए, तपस्या पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, सम दम यम नियम ये सब पालन करने चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में आदमी सब पालन करता है तो फिर उसका मन शांत हो जाता है। तो फिर परीक्षित महाराज ने बोला, लेकिन इससे मुझे संतुष्टि कि लोगों को इतना ज्ञान दिया जाए, उसके बाद भी लोग बहुत बहुत लोग पूरा ट्रेंड होते, क्लासेस दी गई, सब कुछ दी गई है, फिर भी लोग पापों से नहीं, उनको पूरा ट्रेनिंग दे गई, वो भी हो सकता है दूसरों लोगों को समझा भी दे, लेकिन फिर भी जब वासनाएं उदित होती हैं तो आदमी अपने आप को संभाल नहीं। ज्ञान है, बहुत सारे बच्चे लोग जैसे बहुत बार उनको ज्ञान होता है कि हमें गलत चित्रों को नहीं देखना है, बहुत बार लोगों को ज्ञान होता है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रवचन सुना है कि युवा अवस्था में लड़का लड़की को उतना मिंगल नहीं करना चाहिए, फिर भी जब अपॉर्चुनिटी आती है तो बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाता। जानते हैं, हजारों उदाहरण सुने हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है खुद का भी निज का अनुभव रहा हो, कभी कभी कोई व्यक्ति ने खुद भी अनुभव किया।
लेकिन उसके बाद भी बेचारा अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो ज्ञान मार्ग भी विफल हो जाता है। तब सुखदेव गोस्वामी और खुश हो गए, तो उन्होंने बोला हाँ ये ज्ञान मार्ग भी ज्यादा काम नहीं करेगा। तब वो बोलते हैं के चित केवल या भक्तिया, तो उन्होंने बता हाँ जब आदमी भक्ति करेगा भगवान की तब जाके उसके हृदय की वासनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए ये जो हम हरे कृष्ण जप करते क्या है, सबसे बड़ी भक्ति है कि भगवान कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लूं मैं, कितना भी मैं प्रायश्चित कर लूं, लेकिन हृदय से जो जो काम वासना है, क्रोध वासना है, जो ये पापों की वासना है, वो कभी नहीं जाएगी। वो तभी जाएगी जब आदमी भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। और जब आदमी भगवान की शरण लेगा तो अपने आप उसकी बुरी वासनाएं खत्म हो जाए। भक्ति में आने के 20 साल तक मैं हमेशा सोचता था कि अपने बुरी वासनाओं से मुक्त हूं, लेकिन कितना भी प्रयास करता था, कितना भी मैं चाणक्य नीति पढ़ लिया, तो ये पढ़ लिया, तो शंकराचार्य पढ़ लिया, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं की तब तक, बट जैसे मुझे बताया गया इसको उनके भक्तों के द्वारा हरे कृष्ण जप करने के लिए, तो मैं देखने लगा कि मेरा व्यवहार अपने आप बदलने, जब मैं हरे भगवान की शरण लेने लगा तो अपने आप पता चलने लगा कि अपने आप आसानी से आदमी अपने आप को बदल पाता है। इसलिए सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, और उसका सबसे सरल साधन कलयुग में क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे नाम प्रभु की।